नक्सलियों ने एक बार फिर से हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। बताते चले आपको कि जिला पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी और उसी वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और नक्सली भाग निकले। जंगल के अंदर हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में अभियान और सघन जांच जारी है। साथ ही अतिरिक्त फोर्स की भी यहां पर तैनाती कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि नक्सली दस्ते की खोजबीन की जा रही है। इधर SDOP शोभराज अग्रवाल ने घटना की पुष्टि की है। इस हमले में BSF के 2 जवान घायल हुए हैं। साथ ही कई माओवादियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। घायल जवानों के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया जा चुका है। बताते चले आपको कि पिछले दिनों सुकमा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें CRPF के 25 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई बार नक्सलियों के साथ मुकाबला भी हो चुका है और नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं।